हम में से ज्यादातर लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए फिल्टर्स का यूज करते हैं क्योंकि इससे उनके फोटोज और भी ज्यादा अच्छे आते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्टर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके पास कुछ ऐसे बॉडी फीचर्स हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास रेयरेस्ट ब्यूटी है। नंबर 8, अमीना अपेंडियेवा। अमीना अपेंडियेवा एक रशियन है और इन्हें एक जेनेटिक कॉम्बो कंडीशन है। वो एक एल्बिनो है जिसकी वजह से इनके स्किन, हेयर्स और यहाँ तक कि उनके आईलैशेस भी वाइट हैं। लेकिन एक बार जरा इनकी आंखों को देखिए, आप इनके आईज देखकर यही समझ रहे होंगे कि शायद इन्होंने लेंस पहने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनकी आंखें बिल्कुल ही रियल हैं। इनकी एक आंख ब्लू और एक आंख ब्राउन है। इस कंडीशन को हाइड्रोकॉर्मिया कहते हैं, जिसमें इंसान की दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है और ये कंडीशन जानवरों में भी होती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है और एल्बिनिज्म के साथ में इसका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि एल्बिनो की आयरिस लगभग ट्रांसपेरेंट होती है और वो दिखने में बिल्कुल रेड नज़र आती है। लेकिन अमीना के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इसी कंडीशन की वजह से वो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। नंबर 7, युआन हेरोंग। युआन हेरोंग एक नॉर्मल गर्ल की तरह लगती हैं, लेकिन जब आप उनके थाइस देखोगे तब आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा क्योंकि इनके थाइस दिखने में बहुत ही मस्कुलर लगते हैं और ये दिखने में कार्टून कैरेक्टर चांग ली की तरह दिखती हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रीट फाइटर है। जरा एक बार उनके थाइस और उनके एब्स को देखिए। इनके थाइस इतने ज़्यादा ताकतवर हैं जिससे ये एक वाटरमेलन को भी आसानी से तोड़ सकती हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो चाइना के एक हॉस्पिटल की नर्स हैं और वो अपना फ्री टाइम जिम में ही स्पेंड करती हैं। नंबर 6, मारिया ओज। अगर ये लड़की आपको देखने में अनरियल लग रही है तो आपको मारिया ओज से ज़रूर मिलना चाहिए, जिनकी आंखें बहुत ही बड़ी हैं। इनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि अगर कोई इंसान इनके फेस की तरफ देखे तो उसकी नज़र इनकी आंखों पर ही जाएगी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मारिया के इन सभी फोटोज़ में उनके फेस पर कोई भी फिल्टर का यूज़ नहीं किया गया है। मारिया हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन वो हाइट में बहुत ही छोटी हैं जिसकी वजह से वो एक मॉडल नहीं बन पाई। लेकिन अब वो एक सक्सेसफुल ब्लॉग चलाती हैं जिसका नाम स्पिरिचुअलाइज्ड फेस है, जिसमें वो स्टॉप मोशन टेक्निक का यूज करके वीडियोस को शूट करती हैं। नंबर 5, बी मेलविनिन। डार्क स्किन वाले लोगों की आइस का कलर ज्यादातर ब्लैक ही होता है और डार्क स्किन पर ब्लू या ब्राउन आइस का होना एक बहुत ही रेयर बात है। लेकिन जरा एक बार बी मेलविनिन को देखिए, ये लड़की बहुत ही यूनिक है। इनके व्हाइट हेयर्स के साथ टॉल फेस है। बहुत से लोग मेलविनिन को ये कहते हैं कि उन्हें एक्समैन के कैरेक्टर स्टॉर्म का रोल करना चाहिए। मेलविनिन उनके बहुत ही यूनिक लुक की वजह से इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मेलविनिन उनके बालों को कलर करती हैं और बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अपने स्किन कलर को डार्क करवाया है। लेकिन मेलविनिन ने इन सभी इल्ज़ामों को झुठला दिया। आज के टाइम पर मेलविनिन मॉडलिंग कर रही हैं और साथ ही साथ वो हेयर प्रोडक्ट्स के भी एडवर्टाइजिंग करती हैं। नंबर 4, रेन डॉव। अभी जो मॉडल आप देख रहे हो उसे देखकर आप उसे आदमी समझ रहे होगे, लेकिन आपको बता दें कि ये एक फीमेल है जिनका नाम रेन डॉव है और ये मॉडलिंग में एक्सीडेंटली ही आ गई थी। रेन के एक फ्रेंड ने उन्हें चैलेंज किया कि उन्हें एक मैन की तरह मॉडलिंग करना होगी और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जब रेन ने रैंप वॉक की तब कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद से ही उन्हें कई मॉडलिंग शोज के ऑफर आए, जिसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में मैन और वुमेन दोनों ही रनवेज पर वॉकिंग की। पहले वो एक लॉकस्मिथ थी और एक फायर फाइटर का काम भी किया करती थी, क्योंकि रेन की हाइट 6'2" है जो कि मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी हाइट है और यही हाइट उनके मॉडलिंग में काम आ रही है। नंबर 3, लियू सिउ। ये जो लड़की अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि इसकी एज क्या होगी? आप इसका जवाब अभी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन बहुत से लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि लियूर अपनी एज से बहुत ही छोटी दिखाई देती हैं। इनकी एज 45 ईयर्स है और ये ताइवान की रहने वाली हैं। लियूर ने उनके यंग दिखने का राज ये बताया कि वो एक बिल्कुल सही डाइट फॉलो करती हैं और बहुत सारा पानी पीती हैं, और साथ ही उनके जेनेटिक्स की वजह से भी
उनकी एज कम दिखाई देती है। जरा उनके इस फैमिली फोटो को देखिए, आप इस बात को कभी गेस नहीं कर पाओगे कि इस फोटो में उनकी 63 इयर्स ओल्ड मदर भी हैं और पास में उनकी 38 इयर्स की एक सिस्टर शेरान है जो कि तैवान की एक मॉडल है। ये फोटो देखने में एक टीनेजर्स का ग्रुप लगता है जो कि पार्टी में जा रहा हो। नंबर 2, ड्यूक की थॉट। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि इस लड़की के एकदम स्ट्रेट बाल और एकदम ब्लैक स्किन नेचर की बनाई हुई है, ना कि किसी डॉल फैक्ट्री की बनाई हुई। ड्यूकी ने अपना एक फोटो क्लिक किया था जो कि इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो गया था। 17 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टॉप मॉडल में आने के बाद ड्यूकी काफी फेमस हो गई थी, लेकिन इसके बाद वो 2 साल तक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। ड्यूकी ने बताया कि हजारों लोगों ने उनके स्किन कलर, हेयर्स और उनकी बॉडी के बारे में इंसल्टिंग बातें की, जिसके बाद से वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई जहाँ पर वो एक मॉडल बन गई और आज के टाइम पर वो एक बहुत ही फेमस मॉडल हैं और बहुत जल्द ही वो अपना एक डॉल वर्जन भी रिलीज करने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को और जरूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, एंजेलिका कैनोवा। बहुत से लोग इस फोटो को देखकर इसे बार्बी डॉल समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एंजेलिका कैनोवा है और ये रशिया के रहने वाली हैं। एंजेलिका रशिया के एक मॉडल हैं और उन्हें सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत रियल लाइफ बार्बी डॉल कहा जाता है। इनकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस है और इनका वेट 42 kg है। एंजेलिका के पेरेंट्स उनके लिए हर मंथ न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट को बहुत सारे पैसे देते हैं। जब एंजेलिका सिर्फ 5 साल की थी तभी उनकी मदर समझ गई थी कि उनकी बेटी दिखने में बिल्कुल एक रियल लाइफ बार्बी डॉल की तरह लगती है। एंजेलिका को उनके पेरेंट्स की तरफ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ना ही वो किसी को अपना दोस्त बना सकती हैं और ना ही वो किसी को डेट कर सकती हैं। उनके पेरेंट्स उनका पूरा खर्चा उठाते हैं जिससे कि वो एक बार्बी डॉल की तरह दिखाई दे और अपने करियर में बहुत ही आगे की तरफ जाए। अभी के टाइम पर एंजेलिका 28 साल की हैं और वो इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको गेमिंग की वीडियो देखने का शौक है तो आपको हमारे गेमिंग चैनल जेजी गेमिंग को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी लोगों में से किसको देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।